छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद और समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में संचालित झूला घरों के बंद होने के बाद इनके भुगतान को लेकर अब नया खेल शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने पहले ही इन्हें बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे। वहीं अप्रैल 2016 से केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान भी बंद कर दिए। इसके बाद राज्य के महिला बाल विकास विभाग ने संस्थाओं को बकाया वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया है, लेकिन बकाया भुगतान को प्राप्त करने के लिए संस्थाओं द्वारा संचालित झूला घरों के गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। झूला घरों के झोल झाल पर पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में केंद्र सरकार ने झूला घरों को बंद करने के आदेश जनवरी 2017 में ही जारी कर दिया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में महिला बाल विकास विभाग ने इन झूला घरों के संचालन की जिम्मेदारी ले ली थी। लेकिन संचालन तो दूर, इनके वेतन का भुगतान भी राज्य सरकार ने अब तक नहीं किया है। दरअसल प्रदेश में राज्य बाल कल्याण परिषद के द्वारा 17 जिलों में 360, आदिम जाति सेवक संघ के द्वारा 268 और समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा 883 झूला घर संचालित थे। इस तरह राज्य में कुल 1511 झूला घर संचालित थे, जिनके कार्यकर्ताओं के वेतन का भुगतान अब तक बाकी है। अब इनके भुगतान के लिए महिला बाल विकास विभाग ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों को संचालित झूला घरों की वास्तविक स्थिति को जांच करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन जांच के बाद कार्यक्रम अधिकारियों ने जो आंकड़ा पाया वो आंकड़े चौंकाने वाले थे। अभी हमारे जिले में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के द्वारा 22 झूला घर संचालित होना बताया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से 33 झूला घर संचालित हो रहे थे। इन दोनों के लिए केंद्र सरकार से इनको अनुदान मिलता था, लेकिन वर्ष 16-17 में इन्हें अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा नहीं मिला है और हमारी राज्य सरकार ने तय किया है कि इनके मानदेय से संबंधित जो भी समस्या होगी उसके लिए महिला बाल विकास विभाग इनसे मांग पत्र लेकर शासन को अवगत कराएगा। और इस संबंध में हम लोगों ने शासन को मांग पत्र इनसे लेकर भेजा भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के द्वारा 22 झूला घरों के लिए लगभग 25 लाख रुपए का मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जो शासन को भेजा गया है। और विभाग के माध्यम से हम लोगों ने एक समिति गठित करके इन झूला घरों का भौतिक सत्यापन भी कराया है, जिसमें जो समाज कल्याण बोर्ड है उनके 33 में से मात्र 6 झूला घर वर्तमान में संचालित पाए गए थे हमारी समिति के माध्यम से। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के द्वारा, हालांकि वो 22 बता रहे हैं परंतु हमारी समिति ने 12 झूला घर संचालित होना पाया गया था। तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करके उनके साथ एक बार बैठेंगे और इसको फिर से एक बार समिति को मैंने बोला है कि बैठकर तय करेंगे कि वास्तव में कितने झूला घर संचालित थे और शासन से जो भी हमें राशि प्राप्त होगी मांग पत्र के हिसाब से हम उनको भुगतान करेंगे। अब हम आपको इनके आंकड़ों का खेल समझाते हैं। जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र ने 2016-17 के 9 माह का भुगतान राज्य बाल कल्याण परिषद को नहीं किया है। वहीं समाज कल्याण बोर्ड को 3 माह का भुगतान बाकी है। जब इन संस्थाओं को भुगतान करने के लिए झूला घरों की संख्या मंगाई गई, तब राज्य बाल कल्याण परिषद ने रायपुर जिले में 33, समाज कल्याण बोर्ड ने 20 झूला घर संचालित होना बताया है। इस तरह रायपुर जिले में 53 झूला घर संचालित होना बताया जा रहा है, लेकिन जिला कार्यक्रम अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में जांच के बाद 53 नहीं बल्कि 18 झूला घर को संचालित होना पाया गया, जिनमें छत्तीसगढ़ बाल कल्याण परिषद के 22 में से 6, समाज कल्याण बोर्ड के 33 में से 12 झूला घर संचालित पाए गए हैं। वहीं जांच के बाद इन झूला घरों के संचालक संस्थाओं को 25,06,900 रुपए के भुगतान की मांग के लिए जिला कार्यक्रम कार्यालय ने संचालनालय के वित्त विभाग को पत्र भेजा गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश में झूला घर बंद होने का मुद्दा विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों ने उठाया था, जिस पर महिला बाल विकास मंत्री रमशीला साहू ने इस बात को स्वीकार किया था कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र होने के कारण झूला घरों को बंद किया गया है। झूला घरों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के मामले पर उन्होंने कहा था कि इसके लिए हम प्रयास करेंगे, लेकिन झूला घरों के कर्मचारियों का 9 माह का वेतन अब भी बकाया है। इस बात पर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने भाजपा सरकार के महिला बाल विकास विभाग को ही भ्रष्टाचार का विभाग बताया है। देखिए, प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलाबाला सर्वत्र है, महिला बाल विकास विभाग इससे छूता नहीं है। झूला घरों को बंद करने के केंद्र सरकार के निर्देश के बावजूद
अभी भी निर्धारित संख्या से कम झूलाघर यहाँ चलाए जा रहे थे, आपकी रिपोर्ट में आपने बताया है। उसके बाद उनका कई महीनों से कर्मचारियों का वेतन भी नहीं मिला है। इस मुद्दे को विधानसभा में कांग्रेस ने उठाया था और संबंधित विभाग की मंत्री ने आश्वासन दिया था कि भुगतान बहुत जल्द होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बधाई देता हूँ कि आपने इतने संवेदनशील विषय को उठाया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो दोषी व्यक्ति अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनका वेतन जल्द से जल्द मिले। अब हम आपको राज्य में झूलाघर संचालित कर रहे संस्थाओं जिनमें राज्य बाल कल्याण परिषद और समाज कल्याण बोर्ड के जिम्मेदारों की बात भी सुनाते हैं। राज्य बाल कल्याण परिषद छत्तीसगढ़ के द्वारा 365 घर झूलाघर संचालित होते रहे हैं। 2016 दिसंबर में अचानक ही एक आदेश के द्वारा झूलाघरों को बंद करा दिया गया। उसके पूर्व मार्च 2016 तक के उनके जो भी लंबित प्रकरण थे वो निपटा लिए गए थे, किंतु अप्रैल 2016 से लेकर के दिसंबर 2016 तक के जो देयक हैं वो अभी तक के बाल कल्याण परिषद को प्राप्त नहीं हुए हैं और वह जैसे ही प्राप्त होते हैं वो तुरंत के तुरंत जितने भी झूलाघर हैं उनके अकाउंट्स में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। लेकिन अभी जो समाचार है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये पैसे देयक जो है वह उन्हें भुगतान करने को कहा है और राज्य शासन जो है वो महिला बाल विकास विभाग के द्वारा हर ज़िले में वो झूलाघरों की शिनाख्त करके पहचान करके उसके बाद उनको देयक उनका देगी ऐसा बताया गया है। अप्रैल 2016 से लेकर के दिसंबर 365 झूलाघरों के नहीं, वो तो पूरा एकदम से एक्यूरेट देखना पड़ेगा क्योंकि हर महिला कार्यकर्ता हमारी हैं, उनकी जो सहायिका हैं उनके वेतन हैं और झूलाघरों के जो बच्चों के लिए न्यूट्रिशन पोषण आहार के पैसे आते हैं ये सब है। पूरे छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा झूलाघर 883 संचालित थे। पिछले 2017 जनवरी से 1 जनवरी से केंद्रीय बोर्ड के द्वारा दिल्ली से राज्य सरकार को हैंडओवर हो गया है। उनकी जो पुराने कुछ भुगतान हैं उसको करेंगे, हमने राज्य शासन को अवगत करा दिए हैं और जो व्यवहारिक दिक्कत आ रही है हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने जो बात कही है और जो उनका अनुदान है वो देंगे। पिछला जो भुगतान है राज्य शासन को हमने अवगत करा दी है। राज्य शासन की प्रक्रिया क्या है कि वो लोकल में ज़िले को महिला बाल विकास के द्वारा वहाँ स्थानीय उसका परीक्षण करें, स्थानीय वहाँ लोकल में देखें, पूछताछ करें, उसके बाद वो उनका अनुदान देंगे। हाय नमस्ते, दिस इज नेहा वग्गा एंड यू आर वॉचिंग ग्लिप्स न्यूज। यहाँ मैं हूँ मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप देख रहे हैं ग्लिप्स चैनल मेरे साथ। So keep watching. Love you guys. Hi, I'm Alok Narula. और मैं हूँ अंशु नरोला और आप देख रहे हैं Clips News. For more information, log on to www.clips.in.